वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत दुर्ग नगर निगम ने विभिन्न वार्डों में किया पौधारोपण। शहर को हरियाली युक्त बनाने विधायक, महापौर, कलेक्टर और आयुक्त ने लगाए पौधे। दुर्ग नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत बुधवार को राज्य शासन की मंशा के अनुरूप एवं जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा वार्ड 21 हनुमान नगर में वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत गार्डन के दोनों किनारों पर पौधारोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अरुण गोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष आर.एन. वर्मा, प्रभारी सत्यवती वर्मा, वार्ड पार्षद अरुण सिंह, जयश्री जोशी ने चंपा, कदम, कोनो कॉर्पस, नीम, बादाम, गुलमोहर आदि को गार्डन के दोनों ओर पौधारोपण किया गया। साथ ही विधायक ने कहा कि पौधों को सहेजना भी बहुत जरूरी है, इसके लिए ट्री गार्ड वगैरह लगाए जाएंगे। ड्रिप आदि के माध्यम से यदि पौधों में पानी दिया जाए तो यह भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि वन होम वन ट्री महाअभियान के दौरान नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, घर घर नागरिकों को लगभग पौधे वितरण किए गए। इस संबंध में न्यूज टीम को दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निगम के द्वारा हम लोगों को निःशुल्क पौधों उपलब्ध कराए जा रहे हैं और पार्षदों के माध्यम से पौधों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे आज हम लोग वार्ड 21 में नगर निगम के द्वारा वन होम वन ट्री कैंपेन के उस तत्वाधान में ही हमने आज वहां पर वृक्षारोपण किया, प्री पोस्ट छात्रावास में भी किया और अलग अलग जगह आज सुबह से ही हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से फ़ोन भी आ रहा है। मैं पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने घर में एक पौधा ज़रूर लगाए और उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लें। प्रयास किया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, सभी विभाग के लोग इसमें लगे हुए हैं, लगातार मीटिंग ली जा रही है और इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। फ़ोन कॉल्स भी बहुत आ रहे हैं और हम लोग वन विभाग के द्वारा वृक्ष भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लास्ट ईयर जो वन होम वन ट्री का अभियान था, इस साल 6 जुलाई को कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हमारे निगम क्षेत्र में सभी वार्डों में इसका अभियान चलाया और जनता से अपील भी की है, महापौर से भी निवेदन किया है, जनता से अपील करें कि हर व्यक्ति अपने घर में पौधा लगाए और जो भी खाली जगह निगम क्षेत्र में जो सार्वजनिक जगह है उसमें हम लोग प्लांटेशन किए हैं। प्लांटेशन के साथ साथ ऐसे जगह चयन करते हैं जहाँ पर बाउंड्री वालों का, जहाँ बाउंड्री वालों की ठीक आपकी सुविधा से एकदम प्लांटेशन किए हैं और ये अभियान सबके सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से सफल भी रहा। बहरहाल वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में भी पौधों का रोपण किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।